तो बच्चों वर्कशीट नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं। ये इसका सेकंड वीडियो है वर्कशीट नंबर 1 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन लोग कर चुके थे, अभी स्टार्ट करेंगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। वर्कशीट निकाल लो और वर्कशीट 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में डायग्राम देखिए, डायग्राम के अंदर आपको तीन चार्जेस बता रखे हैं और Q1 चार्ज है, उस पर फोर्स पता करना है, ठीक है। तो बच्चों ये डायग्राम है आपके क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन में केवल इतना सा डायग्राम गिवन होगा, चार्जेस की वैल्यूज और डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है आंसर का, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फोर्स ऑन चार्ज Q1, उस फोर्स को मैं क्या नाम दे देता हूं, F1, ठीक है। फोर्स का नाम मैंने रख दिया F1, मेरा पॉइंट रख दिया, पॉइंट रख दिया, ये पॉइंट आ रहा ओके। तो देखो सबसे पहले ये बात बताएं कि Q1 पर नंबर ऑफ फोर्सेस कितना है, एक Q2 की वजह से और एक और Q3 की वजह से, ठीक है। वो जो फोर्सेस हैं उनके एरोज में यहां पे लगा लेता हूं वेक्टर्स। बताओ Q1 और Q2 के बीच में कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा रिपल्सिव। इस पर फोर्स किधर होगा, इधर, रिपल्सिव, ठीक है। इस वाले फोर्स का मैं नाम क्या रखूं, F12, ठीक है, F12। Q1 पर Q3 की वजह से फोर्स, उसका नाम क्या रखेंगे, F13। इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है ना, ये भी इधर जाएगा, F13। Q1 पे दो फोर्स लग रहे हैं और वो डायग्राम क्या कह रहा है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, दोनों ऐड होंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अपन लोग F12 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। F12 और F13 इनके मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट कर लें, उसके बाद में उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ओके तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एरो अभी हटा देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, कूलम्स लॉ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। के का वैल्यू 9 × 10⁻¹, Q1 है 2 μC, 2 और माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻¹। Q2 का वैल्यू 3 μC। आर Q1 एंड Q2 के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है, 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, तो इनको सॉल्व करने पे क्या आया, देखो 3 स्क्वायर 9 9 और 9 कैंसिल, 3 एंड 2 कितना हुआ, 6, और पावर्स को ऐड करें, -6 -6 और 9 कितना आ गया, -3, और ये आ गया 6 × 10⁻¹ N, ठीक है। सिमिलरली F13, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q3। फॉर्मूले में चार्जेस कौन कौन आएंगे जिनके बीच में ये फोर्स है, Q1 एंड Q3। डिस्टेंस कितनी आएगी,
किसके बीच क्या आएगी? Q1 एंड Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 + 4 7। R का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 7। ठीक है, ओके। तो ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी 9 × 10⁻¹। Q1 का वैल्यू, Q3 का वैल्यू और दोनों के बीच से 7² ठीक है। कैलकुलेट करने पर आया ये। अब क्या करेंगे, ये Q1 पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक Q2 लगा रहा है, एक Q3 लगा रहा है। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। तो Q1 टोटल यानी कि नेट फोर्स जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं F1 से, F1 विल बी सम ऑफ F12 प्लस F13। वैल्यू पुट कर दें, F12 का वैल्यू कितना है? 6 × 10⁻³, 1.45 × 10⁻³। बताइए अब क्या होगा, 10⁻³ तो कॉमन आ जाएगा और 6 + 1.45 ऐड हो जाएंगे, 7.45 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ऐसे करके आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2, ठीक है। उस फोर्स को क्या बोलेंगे अपन लोग? F2 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो Q2 पे जो फोर्स लग रहे हैं उनके वेक्टर्स यानी एरोज अपन लोग यहां पे डायग्राम में बनाते हैं। Q2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक Q1 लगा रहा है और एक Q3 लगा रहा है। इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव, ऐसे। तो Q2 पे फोर्स किधर जा रहा है? इधर। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बोलना चाहोगे? F21 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, ठीक है ना, रिपेल होकर के और इधर जा रहे हैं। और Q3 की वजह से जो फोर्स है उसका एरो इस तरफ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? F23, ठीक है। ये दोनों आपको कैसे लग रहे हैं? अपोजिट। इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और नेट आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, ऐड कर देते हैं, अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप ये भी सोचो कि सेम डायरेक्शन में ऐड क्यों होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, ये सोचो। इसका आंसर मिलेगा आपको 11th क्लास में वेक्टर्स के अंदर, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो अपन लोग इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। F21 दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। तो फॉर्मूला वही कोलोम्स लॉ है, अब की बार कौन कौन चार्जेज आएंगे? अगेन Q1 और Q2। ये फोर्स Q1 और Q2 के बीच में है, डिस्टेंस भी वही होगी। अपन ने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? अभी पिछले स्टेप में ही तो इसको कैलकुलेट किया अपन ने, ठीक है। तो अपन लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, नेक्स्ट फोर्स है F23, ठीक है। इसमें कौन कौन से चार्ज आएंगे? Q2 एंड Q3। Q2 एंड Q3 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ओके। डिस्टेंस कितना है Q2 एंड Q3 के बीच में? 4 मीटर है, 4 मीटर है, 4 आ गया। इसको कैलकुलेट किया कितना आ गया? 6.75 × 10⁻³, ओके। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे।
नेट फोर्स जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन लोग एफ टू से, द नेट फोर्स एफ टू इक्वल टू, देखो आपके पास दो फोर्सेस है, एफ टू वन कितना आया था 6 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, और ये दूसरा वाला ये है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, लार्जर माइनस स्मॉलर, 6.75 × 10⁻³ माइनस 6 × 10⁻³, ठीक है, इक्वल टू 0.75 × 10⁻³ न्यूटन, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हुआ आपका, एंड थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है फोर्स ऑन Q3, उसको आप लोग बोल रहे हैं F3, ठीक है। तो Q3 जो चार्ज है इस पे वेक्टर्स बनाएंगे, Q3 पे दो फोर्स लग रहे हैं, जो Q2 लगा रहा है रिपल्सिव, इन दोनों बीच में रिपल्शन होगा, क्या नाम दो मैं उसको F32, और जो Q1 लगा रहा है वो भी रिपल्सिव होगा, वो भी इस तरफ जाएगा, इसका नाम दे रहा हूं F31। दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में और क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम को देखो ध्यान से, क्या डिफरेंस, माइनस, एक माइनस साइन का डिफरेंस आ गया, और आपको अब ध्यान देना है कि इससे माइनस साइन से क्या फर्क पड़ जाएगा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो हैं, जो अपन ने पिछले टॉपिक में टोटल कितने फोर्सेस कैलकुलेट करे थे, 6, इस पे दो फोर्स, इस पे टू, इस पे टू, टोटल 6 फोर्सेस थे, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी क्योंकि आपने डेटा चेंज नहीं किया, सिर्फ एक चार्ज का साइन चेंज हो गया, उससे फर्क पड़ेगा किस पे, डायरेक्शंस पे, उन 6 के 6 फोर्सेस की डायरेक्शंस अब डिफरेंट होंगी, हो सकता है किसी की सेम हो बाय चांस, पर अभी डायरेक्शंस में फर्क पड़ेगा, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा सेम है इसलिए मैग्नीट्यूड वही रहेगा, तो अपन लोग मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन दोबारा से नहीं करेंगे, अपन लोग डायरेक्ट यूज करेंगे उनको, ठीक है, लेकिन यहां पर अगेन इंपॉर्टेंट है, और देखो वेक्टर क्वांटिटी, जब आप किसी न्यूमेरिकल में कोई कैलकुलेट कर रहे हो वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके डायरेक्शन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो क्या है, फॉर्मूला ले लिया और उसमें वैल्यू पुट कर दिया और फिर कैलकुलेशन कर दी, तो वो बात है, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले आप जो है डायग्राम के अंदर इस पे जो दो फोर्स लग रहे हैं उनकी डायरेक्शन शो करेंगे, सबसे पहली बात F12, Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा, ये मिस्टेक हो गई है, यहां पर साइन कैसा आएगा, माइनस साइन, ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो बताओ Q1 पे जो फोर्स का एरो है किधर जा रहा है, इधर, दिस फोर्स इज F12, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2, ठीक है, एक और फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, कौन लगा रहा है, Q3, वो कैसा है, वो पिछले, सॉरी, वो कैसा है,
वो भी अट्रैक्टिव है, ये दोनों चार्ज ये भी अट्रैक्ट करेंगे, तो Q1 पर फोर्स किधर लग रहा है? इस तरफ। दिस फोर्स इज F13। ये दोनों फोर्स कैसे डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है। तो नेट F1 इज इक्वल टू F12 F13, क्या साइन आएगा? प्लस। सेम डायरेक्शन ऐड हो जाएंगे। इनकी वैल्यूज क्या क्या थी? वो वैल्यूज पिछले वाले क्वेश्चन वाले ही रहेंगे, बस वो अब फर्क क्या पड़ गया, वो ऐड होंगे। पहले एक चांस की बात थी कि वो सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है, गलती हो गई, पहले भी ऐड हो रहे थे, ठीक है ना। पहले दोनों की डायरेक्शन इधर थी, पिछले वाले क्वेश्चन में जाके देखें दोनों की डायरेक्शन इस तरफ थी, ठीक है, दोनों इधर थे, अभी दोनों इधर हो गए, पहले भी सेम डायरेक्शन में थे, अभी भी सेम डायरेक्शन, आंसर सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फोर्स ऑन Q2, ठीक है। तो अगेन वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन लोग, सबसे पहले डायरेक्शंस के एरो लगाते हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। इस पे फोर्स किधर जा रहा है? इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है Q1। इस फोर्स का क्या नाम रखे हैं? F21। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स है? रिपल्सिव। प्लस प्लस। इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा है? रिपल्सिव। तो Q2 रिपेल होकर किधर जाएगा? इधर। इस फोर्स का नाम क्या रखें? F23। ये दोनों फोर्सेस Q2 पे को दो फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में हैं। नेट F2 इज इक्वल टू F21 प्लस F23। दोनों प्लस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सेम डायरेक्शन में हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर इस पे जो दो फोर्स लग रहे थे, देखो जाकर के भले ही, तो ठीक है, दोनों अपोजिट थे तो सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, अभी दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो रहे हैं। इनकी वैल्यू क्या होगी? सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेट करो, कर चुके हो पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे दोनों को ऐड करना है। और अगेन सिमिलरली Q3 पर फोर्स, थर्ड स्टेप क्या होगी? थर्ड स्टेप फोर्स ऑन Q3, और F3 का वैल्यू आप बाकी अपने आप करो, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अपने आप करो, ठीक है ना। दिक्कत आए तो बोलो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट डायग्राम ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस पे तीन चार्ज रखे हुए हैं। Q1 पे फोर्स पता करना है, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है। तो अगेन पिछले क्वेश्चंस की तरह ही सबसे पहले Q1 पर फोर्सेस के वेक्टर्स यानी एरोज मार्क करते हैं। Q1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक Q2 की वजह से, एक Q3 की वजह से। Q1 पे Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो उसका एरो इधर जाएगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या बोले? F12, ठीक है। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स है? रिपल्सिव। इस पर इधर किधर लगेगा? इधर। Q1 पे Q3 की वजह से फोर्स रिपल्सिव, ये दोनों भी रिपल्सिव होंगे, इस पर इधर फोर्स लगेगा, इसका नाम क्या बोलूं मैं? F13, ठीक है। अभी F12 एंड F13 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद में दोनों का प्रोसेस करेंगे। दिस इज F12 फॉर्मूला, मैंने स्किप कर दिया, बार बार रिपीट नहीं कर रहा।
लेकिन ये ध्यान रखो कि चार्ज कौन कौन आएंगे, क्यू वन एंड क्यू टू, ये फोर्स क्यू वन एंड क्यू टू के बीच में है, तो ये क्यू वन एंड क्यू टू, डिस्टेंस दोनों के बीच में 3 है, बाई चांस सारे डिस्टेंसेस 3 हैं, कैलकुलेट किया 6 × 10⁻⁶ आ गया, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, -3 न्यूटन आ गया, ठीक है। इसी तरह से अपन लोग F13 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अपन ने F1 कैलकुलेट कर लिया, F12 कैलकुलेट कर लिया और F13 मैंने कैलकुलेट करके डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है ना। F13 की कैलकुलेशन में चार्जेस कौन कौन आएंगे, Q1 एंड Q3 आएंगे, ठीक है, वो आप अपने आप कर लो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 कैसे आएगा? तो अभी इतना लंबा फॉर्मूला देख करके आपको डर लग रहा होगा कि ये क्या हो गया। आज से पहले तो अपन लोग क्या कर रहे थे, दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट करके और ऐड कर दे रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ऐड कब होते हैं, सेम डायरेक्शन में फोर्स होते हैं तो, सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, अपोजिट होते हैं तो। यहाँ पे बताइए ये दोनों फोर्स F12 F13 सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है? नहीं, इट इज, दीज आर नाइदर सेम नॉर अपोजिट। क्या करेंगे? तो जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है तो फिर अपने पास वो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या आएगा, R इक्वल टू, 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ा था अपन ने, क्या था वो, R इक्वल टू P² + Q² + 2PQ cos थीटा, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे अपन लोग P और Q की जगह कौन है, वो फोर्सेस है जिनको ऐड कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है, ओके। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले जरा बताएं थीटा कितना है, थीटा कौन है, एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ये एंगल है 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये भी 60 है, ये 60 क्यों है, देखो जरा, ठीक है, ट्रायंगल की साइड्स कैसी हैं उनको देख करके पता पड़ जाएगा आपको 60 है, ठीक है। ये थीटा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 60, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, वो सब वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, उसके बाद अपन लोग आगे बात करेंगे। तो ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी इनकी, ठीक है, लेकिन मेरे को ये तरीका अच्छा नहीं लगता, क्या, ये देखो टेन पावर माइनस थ्री ये सब में आ रहा है, तो इसको बार बार नहीं लिखते अपन लोग, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, अपनी राइटिंग बचेगी। 10⁻³ होल स्क्वायर कितना आएगा, 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻⁶ सबके पास है तीनों एक्सप्रेशंस में, 10⁻⁶ कॉमन है, 10⁻⁶ कॉमन आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो वो अगेन 10⁻³ हो जाएगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने के बजाय, या फिर आपको लगता है कि ठीक है धीमे धीमे करते हैं, इतना डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करते हैं, आपकी इच्छा है तो आप क्या करेंगे, ऐसा करके नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, 10⁻⁶ को कॉमन ले लेंगे, जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, 10⁻³, ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे हो 10⁻³ कॉमन आ गया, और बाकी जो वैल्यूज बच गए वो उन सब को आप कैलकुलेट करके और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 6² और कॉस 60 का वैल्यू कितना हुआ, हाफ, कैलकुलेट करें 6² 36 84 और ये है 48, इनको ऐड करेंगे और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, फोर्स वही Q1 पे फोर्स पता करना है, और अब की बार Q1 पे
तीन चार थ्री चार्जेस हैं जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, थ्री चार्जेस हैं फोर्स लगा रहे हैं, Q2 एंड Q1 पे Q2 लगा रहे हैं, Q1 पे Q3 लगा रहे हैं, Q1 पे Q4 फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अपन लोग वहीं से बात अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर्स बनाते हैं फोर्सेस के, उसके बाद में आगे काम करेंगे, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, ठीक है। कौन सा फोर्स है ये, इसको नाम क्या दें, F12, ठीक है। Q1 पर Q4 की वजह से फोर्स किधर होगा, ये भी रिपल्सिव है, F14, ठीक है, F14। Q1 पे Q3 की वजह से फोर्स किधर होगा, ये दोनों भी रिपल्सिव होंगे, इस तरफ फोर्स होगा, ये होगा, ठीक है, F13। इसको आप क्या नाम दोगे, F13। देर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। अब यहां पर एक चैलेंजिंग बात यह है कि इन तीन फोर्सेस को आपको ऐड करना है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन उन मैग्नीट्यूड्स को कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थ्री फोर्सेस हैं। तो उसके लिए अपन लोग एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या कि इन तीन फोर्सेस में सबसे पहले F12 एंड F14 को पहले ऐड कर लेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ फिर F13 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग इनके मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, या साइड में आ जाओ और इनके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। F12 कैलकुलेट किया अपन ने, फॉर्मूला अगेन कोलॉम्स लो, और एक चांस की बात है कि डेटा वही है, ठीक है ना, चांस की बात है कि पिछले दो क्वेश्चन में जो डेटा था, तो अपन ने 6 × 10⁻³ न्यूटन F12 का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद F14 का वैल्यू सेम क्यों आया, क्योंकि Q1 और Q4 का वैल्यू डेटा सेम है, ठीक है। F13 में चार्जेस कौन कौन आएंगे, Q1 एंड Q3, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है Q1 एंड Q3 के बीच, मैंने अभी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, आप कैलकुलेट करके लाओ पहले डिस्टेंस, डायग्राम पे जाओ पहले, ठीक है। देखो Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस, ये यानी कि ये डायगोनल कितनी लेंथ का है, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, 3² + 3² कितना आएगा, 3√2 आ गया, ठीक है। डिस्टेंस ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, कहां पे, यहां ये डिस्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे, 3√2² और फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा। तो आपको कैलकुलेशन में करना बता भी दूं, 3² कितना हुआ, 9, 9 और 9 कैंसिल हो गए, √2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2, 2 और 2 कैंसिल हो गए, केवल 4 बच गया और 10⁻³, वो तो एज इट इज आती जा रही है। आपने तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब सबसे पहले अपन लोग F12
F12 एंड F14 को ऐड करेंगे, ठीक है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पे सोचो जरा कि आप सबसे पहले इन्हीं को क्यों चूज किया, क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है? तो इधर आ जाएं, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है? तो बच्चों F12 एंड F14 को आपने ऐड किया, उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका नाम क्या रखें, ये सब आपकी मन मर्जी है, जो आपके मन मन में पड़े। तो क्यों नहीं अपन लोग एक ऐसा नाम रखें उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो अंडरस्टूड हो, एग्जामिनर के लिए इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए, इंटेलिजेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अपन लोगों ने इसका नाम रख दिया F124, ठीक है ना? और ये क्या हुआ, पहले की तरह अपन ने 10^-3 जो दोनों में आ रहा है कॉमन ले लिया, 10^-3, 10^-3, 10^-3, तो सब में आ रहा है, इसको अपन ने कॉमन ले लिया। और पीछे बच गए कौन, 6² 6² और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि ये क्यों है 90, ठीक है? दिख रहा है आपको, ओके। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। और फिर फाइनली कैलकुलेट करने पे क्या आया, 6√2 10^-3 न्यूटन। ये क्या आया, अभी अपन लोग अभी पूरा रास्ता पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये F124 का वैल्यू आ गया, ठीक है? इसका वैल्यू आ गया, लेकिन यहां पे अभी डायग्राम में, वेक्टर डायग्राम में आपको अभी इन इसका वेक्टर शो करना है, किसका, F124 का वेक्टर शो करना है यहां पे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि आप इन दोनों वेक्टर्स को यूज करके सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाओ। ये मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, तो आप कहेंगे ये तो स्क्वायर बन गया या रेक्टेंगल बन गया। तो भाई रेक्टेंगल और स्क्वायर वो भी पैरेललोग्राम की ही फैमिली के मेंबर्स हैं। कभी ऐसा किसी ने थोड़ी कहा कि पैरेललोग्राम के अंदर एंगल 90 नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम में एंगल 90 भी हो सकता है और कुछ भी, और कुछ दूसरा एंगल भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। लेकिन जब पैरेललोग्राम का एंगल 90 हो जाता है तब वो बन जाता है रेक्टेंगल, ठीक है ना? और फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे वो बन जाता है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के साइड्स भी इक्वल हो जाती है तो वो बन जाता है स्क्वायर, ठीक है ना? तो पैरेललोग्राम की फैमिली का मेंबर है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की फैमिली का मेंबर है स्क्वायर, ऐसा करके ओके यहाँ पे आ जाते हैं अपन लोग। तो पैरेललोग्राम लो क्या बोलता है, पैरेललोग्राम लो बोलता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, अलोंग द डायगोनल। ये जो वेक्टर बनाया मैंने ये कौन है, F124, ठीक है? और क्या देख रहे हो आप, F124 एंड F13 ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ये दोनों ऑर्डिनरीली ऐड हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या रहा, F1 is equal to, what is F1? The net, the final force on charge Q1. F13 plus F124. ठीक है, ये दोनों ordinarily add क्यों हो गए, क्योंकि ये दोनों same direction में हैं, ठीक है? इनकी value put कर देंगे और आपका answer आ जाएगा। तो बच्चों पिछले क्वेश्चंस में अपन लोग क्या कर रहे थे, कूलॉम्ब्स लॉ पे बेस्ड थे।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या डिमांड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, जिसका फॉर्मूला क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? तो अपन लोग इसके अंदर क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पॉइंट पी वन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट पी टू पर। अभी फर्स्ट पार्ट क्या है, पॉइंट पी वन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने क्या नाम दे दिया, ई वन, ठीक है ना? या कुछ और नाम दे देते हैं, चलो इसको अपन लोग ई डैश बोल देते हैं, बेटर होगा, ठीक है ना? ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट पी वन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, ई डैश, ठीक है? ये सब बात की बात है, मेन बात ये है। अगेन सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर के एरोज या डायग्राम में शो करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से कूलॉम्स लॉ के कंपैरिजन में भी थोड़ा ध्यान से, क्या पॉइंट पी वन पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक क्यू वन की वजह से पॉइंट पी वन पर फील्ड होगा, एक क्यू टू पर पॉइंट क्यू टू की वजह से पॉइंट पी वन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है? पॉइंट पी वन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने में दो सोर्सेस इन्वॉल्व हैं, ये दोनों चार्जेस सोर्स का बिहेव, सोर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। Q1 की वजह से पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये, और मैं उसको क्या नाम दे रहा हूं, E1। क्यों होगी? तो आप अपने नोट्स में जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, नोट के अंदर जो नोट लिखे हुए हैं, ठीक है ना? फर्स्ट नोट में क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड का एरो किधर जाता है, अवे। तो आप देखो ई वन का एरो क्यू वन से अवे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नोटिस करनी है, जो बुक में भी नहीं लिखी होती और कई बार तो टीचर से भी स्किप हो जाती हैं, वो क्या कि इस एरो का टेल कहाँ होना चाहिए, पॉइंट पी वन पे, यानी कि जिस पॉइंट पर फील्ड पता कर रहे हैं उस पॉइंट पे एरो का टेल होना चाहिए, और फिर हेड किधर जाना चाहिए वो मैंने बता दिया कि हेड किधर जा रहा है, अवे, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे, ठीक है? और क्यू टू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो होगा E2 का एरो किधर जा रहा है, Q2 से दूर की तरफ अभी जा रहा है, लेकिन दोनों का टेल होगा पॉइंट P, ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे, E1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, E2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और दोनों को दिख रहा है आपको क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? फॉर्मूला तो आपने जाके देख लिया। यहां पर एक नोटिस करने वाली बात है, व्हाट इज आर, तो आप गड़बड़ कर सकते हो, मिस कर सकते हो, आपके आपसे क्या निकल जाएगा, मुझे R इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, कूलॉम्स लॉ वाला R बोल दोगे आप, नहीं, R है और उस पर्टिकुलर टॉपिक में भी साफ साफ लिखा हुआ है, अब जाके देखो कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। R क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, थ्री, आर का वैल्यू 3 है, ठीक
ठीक है। और इसको कैलकुलेट किया अपन ने, कितना आया, टू इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। सिमिलरली अपन लोग ई टू कैलकुलेट कर लेंगे। ई टू के फॉर्मूले में चार्ज कौन आएगा, क्यू टू, ठीक है, और डिस्टेंस चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 4, ठीक है ना। तो यहां पर R का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। ये वैल्यू पुट करेंगे और E2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, E1 और E2 का दोनों को सबट्रैक्ट करके और लार्जर माइनस स्मॉलर से अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है। तो E2 का वैल्यू आ गया 2.25 10 पावर -3। अब क्या करेंगे, ये E1 और E2 दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या आया, E डैश इक्वल टू E2 - E1। ठीक है। और ये वैल्यूज पुट कर दिए अपन ने और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। 10 पावर 3 अपन ने पुट करने से पहले ही कॉमन ले लिया। आप ये थोड़ी हैबिट बनाओ, जो कैलकुलेशंस की जो फालतू की जो स्टेप्स हैं उनको मत लिखो। लिखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओ तो थोड़ा सा स्टेप्स को, फालतू के स्टेप्स को ट्रिम करना सीखो। ठीक है ना। डायरेक्टली कॉमन ले लिया और फिर अपना आंसर आ गया। ओके। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1। ठीक है। अब अपन लोग पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पे। ठीक है बच्चों। अगेन पॉइंट P2 पर नंबर ऑफ फील्ड्स कितने होंगे, अगेन 2, सेम, एक Q1 की वजह से और एक Q2 की वजह से, दो दो फील्ड होंगे, दोनों के एरो मार्क करते हैं। ठीक है। Q1 का एरो किधर जाएगा, अवे, ये देखो क्या नाम दूं मैं उसको, E1। ठीक है। क्यों, क्योंकि Q1 चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P2 पे, ये एरो किधर जा रहा है, Q1 से दूर की तरफ। और Q2 का एरो इस पॉइंट पर किधर जा रहा है, वो भी दूर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। E1 Q1 से अभी जा रहा है, E2 का एरो Q2 से अभी जा रहा है। यहां करके क्या चेक किया अपन ने, कि पॉइंट P2 पर दोनों एरोस सेम डायरेक्शन में थे, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में आ गए। अब की बार क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या बोल दूं, E डबल डैश। ठीक है ना। पॉइंट P2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बोल रहा हूं मैं E डबल डैश। ठीक है। तो ये दोनों से मिलकर के और बनेगा कौन, E1 और E2 से मिलकर बनेगा E डबल डैश। ठीक है। पहले तो E1 और E2 की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। E1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है। ये डिस्टेंस कौन सी होती है, चार्ज से लेके और चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो आप बताओ कि Q1 से पॉइंट P2 तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 + 4 + 3 कितनी आ गई, 10। यहाँ पे आएगा 10 स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 0.18 इंटू
इंटू 10^3 न्यूटन। ठीक है, पॉइंट 18 इंटू 10^3 न्यूटन। इसी तरह से E2 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, E2 के E2 में चार्ज कौन आएगा, K Q2 हाउ मच इज दिस 4 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है 3 और स्क्वायर कितना आया 4 मल्टीप्लाइड बाय 10^3 न्यूटन। इन दोनों को क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा E" इक्वल टू E1 प्लस E2 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4.18 इंटू 10^3 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अपन लोग इस वर्कशीट को यहीं पर स्टॉप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।